नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। देश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 1 करोड़ के पार पहुंच गई है। इस बीच एक राहत भरी खबर भी है, जहां भारत में ही कई कंपनियों की वैक्सीन उत्पादन के अंतिम चरण में है। उम्मीद जताई जा रही है कि नए साल पर देशवासियों को वैक्सीन का तोहफा सरकार की ओर से मिल जाएगा। इसके लिए दिल्ली पुलिस ने भी तैयारियां शुरू कर दी हैं, ताकि फ्रंट लाइन पर खड़े उसके जवानों को राहत मिल सके। दरअसल दिल्ली पुलिस जल्द ही अपने कर्मियों को कोरोना वैक्सीन उपलब्ध करवाएगी। इसके लिए बाकायदा उन्हें SMS के जरिए अलर्ट जाएगा। इससे संबंधित आदेश सभी जिलों के पुलिस अधिकारियों को भेज दिया गया है। दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी और कोविड नोडल अधिकारी मुक्तेश चंद्र के मुताबिक जल्द ही वो टीकाकरण अभियान शुरू कर देंगे। किस जवान और अधिकारी को कब टीका लगना है, इसकी पूरी जानकारी उनको मोबाइल पर मैसेज के जरिए भेज दी जाएगी। वहीं आपको बता दें कि टीकाकरण से पहले ये बात जरूरी है कि सभी पुलिस कर्मियों का नंबर PIS सिस्टम में दर्ज और अपडेट हो। सभी जिला पुलिस मुख्यालयों को इस एक्सरसाइज को पूरा करने के लिए 3 जनवरी 2021 तक का वक्त दिया गया है, ताकि कोई भी पुलिसकर्मी छूटे ना। वहीं जिन पुलिसकर्मियों के नंबर PIS प्रणाली में नहीं है, उनको DCP और IT द्वारा मेल के जरिए सूचित किया जाएगा। गौरतलब है कि दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि राजधानी में पहले चरण में 3 प्राथमिकता समूह के कुल 51 लाख लोगों को टीका लगाया जाएगा। साथ ही उनका डेटा भी केंद्र को भेजा जाएगा। इसमें 3 लाख स्वास्थ्य कर्मी, 6 लाख फ्रंट लाइन वर्क जैसे पुलिसकर्मी और नागरिक सुरक्षा कर्मी शामिल हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।